साठा धान की खेती पर यूपी सरकार की कभी हां तो कभी ना के चलते किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। पीलीभीत में जिला प्रशासन ने गिरते भूजल स्तर और पराली जलाने की समस्या पर काबू पाने के लिए इस साल जनवरी में साठा धान की खेती पर रोक लगा दी थी। 29 जनवरी को जारी आदेश में कृषि उपनिदेशक ने कहा था कि साठा धान को प्रकृति के अनुरूप ये नहीं है, इससे किसानों को साठा धान की जगह तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी के अलावा उड़द और मूंग जैसी फसलों को लगाने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करने की बात कही थी, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसानों को इन फसलों के लिए कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद जब उन्होंने इस बार साठा धान की बुआई कर दी तो प्रशासन उनकी फसलें तबाह करने जरूर पहुंच गया। एक किसान ने इससे जुड़ा एक वीडियो हमसे साझा किया है। इसमें अधिकारी किसानों को साठा धान की खेती ना करने की हिदायत दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जब सरकार दूसरी फसलें अपनाने के लिए किसानों की कोई मदद नहीं कर रही है, तब किसान के सामने क्या रास्ता है? क्या किसान कम समय में साठा धान से होने वाली अपनी कमाई को छोड़ दे? और इस खबर पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं किसान रमनदीप सिंह, जो कि खुद पीलीभीत क्षेत्र से आते हैं। रमनदीप जी, स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये साठा धान को लेकर सरकार की कभी हाँ कभी ना से किस तरह का कंफ्यूजन फैला हुआ है उस इलाके में? नमस्कार मैडम, साठा धान को लेकर परिवहन के चक्कर में यहाँ के किसान बहुत परेशान है। यहाँ पे लगभग आज से 15 दिन पहले जो रामपुर के बलदेव औलखी मंत्री हैं बीजेपी, उनके द्वारा एक वीडियो जारी करके कहा गया था साठा धान किसान लगा सकते हैं। जब किसानों ने इसकी पौध तैयार करके लगाने के लिए खेत में तैयार की है, तो जहाँ तक प्रशासन है, जो डीएम के आदेश है, वो जाकर जबरदस्ती तो किसान खेत को जोत देते हैं। या किसान जो उसको लगा रहा है उसके खिलाफ जबरदस्ती FIR दर्ज की जाती है, उनके खिलाफ जबरदस्ती एक्शन लिया जाता है। यानी कि किसानों के लिए कोई सुनवाई नहीं है, और जो ऊपर से हाईकोर्ट के ऑर्डर है उसमें कोई मना ही नहीं है साठा धान लगाने के लिए, लेकिन जो प्रशासन है वो लगाने नहीं दे रहा है। यहाँ जो ये वीडियो हम देख रहे हैं कि किसान ने साठा धान लगाया तो पुलिस और जो वहाँ के लोकल जो अधिकारी हैं वो वहाँ पहुँच कर फसल को उन्होंने रौंदा, तो इससे किस तरह के सिग्नल्स जाते हैं? बाकी किसानों के ऊपर भी इसका असर पड़ा होगा? ये मैडम बिल्कुल असर पड़ा हुआ इसका। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी के इलाके से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर साठा धान पूरी तरह बैन कर रखा है प्रशासन ने, लेकिन पीलीभीत के चलते आसपास के जिला है, जैसे लखीमपुर जिला हो गया, रुद्रपुर जिला, रामपुर जिला, वहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ पर किसान साठा धान लगा रहा है, लेकिन पीलीभीत में ही क्यों साठा धान के ऊपर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? अगर ऐसा है तो या तो पूरे यूपी में बैन किया जाए साठा धान के लिए, या अगर कुछ इलाकों में क्यों बैन किया जा रहा है? अगर कोई किसान लगा रहा है तो उसके ऊपर जबरदस्ती सरकार का ये कहना है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको बचाना है, पराली की समस्या उस पर काबू पाना है, यही कारण है कि प्रतिबंध लगाया। चलो ये कारण मानते हैं, लेकिन इसके लिए सारी दिल्ली से जिला ही क्यों चुना गया? जो आसपास के जिले हैं क्या वहाँ पर भूजल स्तर कम नहीं होता? वहाँ पर पराली की समस्या नहीं है? वहाँ पर भी सेम सिस्टम है, सेम वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर जी आपका कहना है आबो हवा मिट्टी पानी सेम सब कुछ वैसा ही, फिर भी एक इलाके में इस तरह की जो प्रतिबंध है वो लगाया गया। ये बताइए कि सरकार की तरफ से इस तरह की हिदायतें भी आई हैं कि इसकी जगह दूसरी फसल लगाएं, क्या उसकी उसको लेकर आप लोगों को किसी तरह की राहत राशि या फिर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? हाँ, सरकार कहती हो कि आप दूसरी फसल लगाइए, लेकिन दूसरी फसल लगाने का फायदा तब ही होगा जब उसका मंडीकरण हो, मंडी में हमारी वो फसल की कुछ गारंटी हो कि वो फसल हमारी खरीदी जा सकती है, या हमें उसके लिए सरकार द्वारा कोई मुआवजा मिले कि आप वो फसल उगाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमनदीप जी इस जानकारी के लिए।